आम सहित अच्छा झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भौणी अंजलि सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चार से अध्यक्ष हेलापर आज आसा गस्तर आसकर सुंदरगढ़ गस्तर आसो आम कह झारखंड आड़शार जेहेतु बोडो डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़ तेज झारखंड आड़शार कलचर सहित ये बहुत तालमेल रही सब बड़ कथा है झारखंड अधिकांश लोक एपट रोकता बेले एठिकार कि लोक झारखंड में बसवास करुँच तेणु JMM जो झारखंड मुक्ति मोर्चार जो संगठन रही से संगठन एटी भी सक्रिय सदस्य अच्छा सहित सीधा सड़क आलोचना करवा से जो सुंदरगढ़ गस्तर आसते कौन देखिले आँ अनुभूति नहीं जाऊँच पहले तो मैं आपको स्वागत करूँगा जो आप नया चयन किए गए हैं अध्यक्ष के लिए JMM का। तो आप सुंदरगढ़ जिला आज दौरा किए हैं, ये दौरा का दौरान आपको क्या नज़र आया, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, खास करके क्या अनुभूति लेके आप जा रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो हम जो यहाँ जहाँ जहाँ भी दौरा किए वहाँ के लोगों का जो उत्साह देखे मेरे प्रति जो प्यार देखे वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पर उन लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा से अभी भी जुड़े हुए हैं यहाँ की जनता, तभी तो उन लोग में इतना उत्साह और खुशी हमने देखी। किस तरह से डेवलपमेंट आप देखे सुंदरगढ़ जिला में? देखिए डेवलपमेंट के नाम से तो लोग दुखी हैं, यहाँ हमारे जो यहाँ के मूलवासी लोग हैं जो विस्थापित हैं उन लोग का सबसे बड़ी यहाँ हम जिनसे भी मिले सबसे ज़्यादा तो विस्थापित का उनको तकलीफ है। हाँ उससे जो उन लोग को परेशानियाँ हो रही है यहाँ पर वो बहुत बड़ा समस्या है। पहला तो जैसे सरकार ने यहाँ जो भी फैक्ट्रियाँ बनाई है कारखाने बनाए हैं जो भी माइंस एरिया है ये सब के जो विस्थापित लोग हैं जिनकी ज़मीन गई है फैक्ट्री में उनको वो ज़मीन भी नहीं मिला है, यहाँ तक कि रोज़गार भी किसी किसी को नहीं मिला है, और ज़मीन अगर मिला भी है तो उन लोग को पट्टा नहीं मिला है, सरकार ज़मीन दे दी है पर पट्टा नहीं दी है उनको, जिससे उनको परेशानी हो रही है बच्चों के एडमिशन में, उन लोग को का सर्टिफिकेट बनने में दिक्कतें हो रही है जिससे उन लोग यूनिवर्सिटी सब में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, और इसके लिए इन लोगों ने बहुत सारे रास्ते भी चुने, बहुत नेता भी चुने उन लोगों ने जिनसे मदद उन लोग मांगी, पर इन लोग सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ के जो मूल वासी हैं जिसको ट्रैवल वास उन लोग के सबसे बड़ी कमजोरी उन लोग में है कि उन लोग गरीब हैं और कोर्ट कचहरी जा नहीं सकते हैं, उतने पैसे तो है नहीं, जो भी छोटा मोटा रोजगार है जो भी काम है उसी से उन लोग अपना परिवार चलाते हैं अपना जीविका चलाते हैं, तो कोर्ट कचहरी भी तो अभी बिना पावर के नहीं हो सकते हैं, कोई उनका मोरल सपोर्ट नहीं है पीछे से जिसे कि वो कोर्ट में जा करके अपना केस भी लड़ सके अपना ज़मीन अपने नाम में करा सके। डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है शिक्षा और स्वास्थ्य, ये शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में क्या आप देखें जिला में? देखिए वहाँ जा रहे हैं हम भी फिर उसी में तो आपका शिक्षा देखिए इसी से होगा, उसके पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट मांगता है हर जगह, कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे जब उसका यहाँ पट्टा ही नहीं है, तो उसमें बच्चों को एडमिशन में दिक्कतें हो रही है, बाहर में भी कहीं भी आप जाइए अभी तो कास्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं एडमिशन में, वो सब कहाँ से होगा उन लोग का, ये सारी दिक्कतें, और इससे शिक्षा जब बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगा तो रोज़गार कहाँ आएंगे कहाँ से होगा। स्वास्थ्य का क्या नज़ारा है? स्वास्थ्य में भी जिस तरह शिक्षा में अभाव है उसी तरह स्वास्थ्य में भी अभाव है, अभी बहुत सारे ग्रामीण एरिया में तो स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे लोगों तक स्वास्थ्य पहुंचा ही नहीं है, स्वास्थ्य के नाम पर पहुंचा है जो भी आंगनबाड़ी सब में होता है आशा दीदी वगैरह से चलाती होंगी उसमें जो भी उन लोगों को मेडिसिन मिलता है वही खाते हैं, और
मतलब हाँ बड़ा बीमारी के लिए हॉस्पिटल। एक महिला से हम मिले थे, वो रो रो करके हमको बता रही थी कि उनको टीबी है बहुत दिन से। टीबी, एक तो इन लोग को नॉलेज भी नहीं है कि कहाँ हम जा कर के दिखाएं। यहाँ की कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो वो पढ़ी लिखी नहीं है, गांव की रहने वाली हैं, उनको मालूम भी नहीं है कि इससे हमारा मतलब इलाज कैसे होता है, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। इसलिए उन लोग कहीं तो जा नहीं सकते हैं हॉस्पिटल के, हम कहाँ दिखाएं। बस हमको कल रो करके बोली तो हम अपने ही कार्यकर्ता को बोले कि देखिए इनको ले जा करके किसी सरकारी हॉस्पिटल में दिखाइए, ये तो प्राइवेट गवर्नमेंट की तरफ से फ्री इलाज होता है, इनको इलाज करा दीजिए। और एक चीज़, सरकार यहाँ पर बोल रहे हैं कि DMF फंड का खर्चा कर रहा है, जो कि मतलब माइंस एरिया डेवलपमेंट के लिए खास करके होता है, आदिवासी लोगों जहाँ पर विस्थापित है, जो विस्थापित का बारे में आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर करोड़ों का DMF फंड खर्चा किया जा रहा है और बोल रहे हैं सरकार की डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, जो ये DMN के बारे में इसके विषय में उनको जानकारी होती नहीं है। जब उसको जानकारी ही नहीं है तो वो अपना मांग कहाँ से करेंगे। और एक सबसे आखिरी और अहम सवाल मेरे लिए, जब झारखंड और उड़ीसा देखा जाए तो ये जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है सुंदरगढ़ और कई तरह से जैसे मतलब केंदुझर भी सटा हुआ है, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा एक जंगल है जो डिवाइड करता है, सरेंडा जंगल। तो कुछ दिन अभी तो फिलहाल हम बोल नहीं सकते, लेकिन इससे पहले देखा गया है जो मतलब नक्सलाइट एक्टिविटीज जो होता है खास करके ज़्यादातर रहता है, इसको रोकने के लिए जो कि डेवलपमेंट में और एक रुकावट भी है, इसको रोकने के लिए मैंने क्या ब्लूप्रिंट प्रस्तुत किए हैं आपका सरकार ने ओडिशा सरकार के साथ मिलकर? देखिए इसमें नौजवानों को नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए, तो अपने आप सब कुछ सारा हाँ रोजगार दीजिए, विकास कीजिए, तो सारा समस्या का हल हो जाएगा। निश्चित भाव आपण शुणुले जे झारखंड अच्छा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक भौणी जी अच्छा अंजलि सोरेन जे कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष JMM से निजर मंतव्य रखुले आभली भाव सुंदरगढ़ जिलार विकास से कहते तेज DMF फंड रु कोटि कोटि टाँग खर्च कराते एपर्त जिलार जो विकास जो आदिवासी विकास हवा कथा ता से विकास हो पारे दावी करश्चित भाव सरकार को अनुरोध करापर ध्यान दे आदिवासी विकास जो ग्रामीण लोक मान उन्नति खास करी जो माइंस एरिया रही से माइंस एरिया विकास करा। राउरकेलारू कैमरा पर्सन रवि दास अमीर रंजन परिड़ा अर्गस न्यूज़।